सहदेव, ये सब चीजें यहां कैसे? ये महंगी साड़ी, ये कड़े, ये खिलौना, ये महंगे इत्र की शीशी, ये सब चीजें तेरे पास कैसे आई? जब मैं भाई दूज की खरीदारी के लिए गई थी तो मैंने ये सब चीजें दुकानों में देखी थी, और बाबा ने तो इतने पैसे नहीं दिए थे तुझे कि तू ये सब खरीद सके, फिर ये सब यहां कैसे? सहदेव, वो ताई में तुझे मेरी सौगंध सहदेव, सच सच बताओ बात क्या है? एहसास होते ही अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना, कभी छुपाना मत। ताई, ताई अब कर सकता ही है, ये सारी चीजें मैंने चुराई है। चोरी? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि चोर हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा भाई चोर है। किस चीज की कमी रखी थी मैंने तेरे लिए यहाँ, फिर क्यों किया ऐसे? बोलो सहदेव, बोलो। ताई, ताई मेरा यकीन मानिए। जिया जी, मैं ये जानबूझ के नहीं करता, मैं बस अपने आप पे काबू नहीं कर सका। इसका मतलब घर से चीजों का अचानक गायब होना और उन्हें ढूंढकर तुम्हारे द्वारा लौटाना, ये सब उद्धव की जरी वाली टोपी, यही है ना वो टोपी जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मेरी कलम? जीजा जी, कहीं ये तो नहीं थी? ये सब भी तुमने? इसका मतलब साईं का चिमटा भी? लेकिन मैं तुमसे चिमटा नहीं लूंगा। सहदेव से जाकर कहो कि वो खुद आकर मुझे ये दे। मेरा भाई साई का सामान चुराता है। तुम चलो मेरे साथ और अभी चल के साईं से माफी मांगोगे। जिया जी, मेरी बात कुछ नहीं सुनना चाहता मैं तुमसे। अब जो भी कहना है साईं के सामने कहना। चलो यहां से। ताई, आइए आइए। मुनीम। जी सरकार। अंदर आओ, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जी सरकार। पीछे जा। पंता जी, ऐसी क्या खास बात है जो सरकार हमसे छुपा रहे हैं और इस मुनीम को बता रहे हैं? हाँ, सुनना पड़ेगा। इधर आओ, आओ। बताइए सरकार। बताना नहीं है, दिखाना है, दिखाना। और सुनो, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, अंता पंता को भी नहीं।
उनके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है और सहदेव को भी नहीं। मुझे केवल तुम पर विश्वास है मुनीम। हरि ओम। सरकार उस छोटे से बक्से को लेकर इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं? सरकार, मुझे तो लगा था जितनी सावधानी आप बरत रहे हैं कोई नया हीरा लाए होंगे, लेकिन आप तो कागज का पुलिंदा लाए हैं। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी मुनीम, क्योंकि तुम भी श्रीनिवासियों की तरह पढ़े लिखे अनपढ़ गवार जो हो। मूर्ख कहेगा, ये है पैसे। क्या है? ऐसे मैं पहले ही जानता था श्यामा, और इसीलिए उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि सहदेव से कहो कि वो चिमटा मुझे खुद देकर जाए। लेकिन साईं, मेरा भाई चोर कैसे हो सकता है? ये चोर नहीं है, ये मजबूर है, जिसके कारण ये कोई भी चीज चुरा लेता है। एक बीमारी है, एक रोग है ये। अगर ये चोर होता तो ये जो भी चीज चुराता उसका उपयोग करता, परंतु नहीं, इसने उन सभी चीजों को अपने संदूक में जमा कर रखा है, और उन चीजों का इसके लिए कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। ये कैसे विचित्र बीमारी है साईं, कि बस चोरी कर लेने का मन करता है? मैंने तो आज तक ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना। जैसे सहदेव की समस्या, उसकी बीमारी को ना समझ पाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे ही उसकी भी कोई गलती नहीं है। आपकी बात शायद हम समझ जाएंगे, लेकिन लोग नहीं समझेंगे कि इसको कोई रोग है। वो तो यही समझेंगे कि मेरा भाई चोर है। सहदेव जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा, परिवार के प्रेम से, उनके सहयोग से इसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अगर तुम लोग इसका साथ दो तो सहदेव अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। पैसा? क्या मतलब सरकार, कागज का भी कभी पैसा बन सकता है क्या? पैसा तो बनता है धातु का, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जिसका अपना कोई मूल्य होता है। कागज तो कागज है सरकार, ना कीमत है उसकी ना जीवन। आसानी से फट जाता है, पानी में गल जाता है, उसका पैसा कैसे बनाया जा सकता है? चुप मूर्ख, ध्यान से देखो। ये देखो, ये रानी विक्टोरिया की छवि तुम्हें दिखाई दे रही है? रानी विक्टोरिया की छवि इस कागज को मूल्यवान बना देती है। और ये देखो, अंग्रेज सरकार की मोहर लगी हुई है, देखा? और यहां पे ये देखो, ये क्या लिखा है अंग्रेजी में? 1 rupees, मतलब 1 rupee। 1 rupee? वो भी कागज का?
तो सरकार इसे बहुत संभाल के रखना होगा। इसीलिए तो मैं बंद करके लाया हूँ पेटी में ताला लगा के। अब बहुत जल्द यही कागज के पैसे चलेंगे, मैं शहर में देख के आया हूँ। क्या? और तुम तो जानते हो सिक्कों को रखना कितना कठिन होता है, बहुत जगह लगती है उसके लिए। इसे तो मैं आसानी से जेब में रख कर कहीं भी आ जा सकता हूँ। हरिओम। लेकिन सरकार, क्या लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे? उन्हें तो ये सिर्फ कागज दिखेगा और वो इसे कागज ही समझेंगे। हरिओम, तुम ये कहना चाह रहे हो कि लोग इसे महत्व नहीं देंगे? हाँ सरकार। ठीक है, अब देखो मैं कैसे सिद्ध करके दिखाता हूं। चलो आओ। सरकार, वो हम दोनों दरवाजे से टिके खड़े थे इसलिए गलती से गिर गए। बाहर चलो। सही, आज काम के समय एक सुंदर चीज चुराने की मन में बड़ी इच्छा हुई। मैंने आपकी कही हुई सभी बातों को याद किया, सबको याद किया, और फिर उसे चुराने की इच्छा समाप्त हो गई। साई, मैंने खुद पे काबू पा लिया। ताई, जीजा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की है, लेकिन साई ने मुझे खुद को ठीक करने का रास्ता दिखाया है। उस रास्ते को अपनाने के बाद आज मैं पहली बार सफल भी हुआ हूं। लेकिन सहदेव की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी तरह ठीक होने में समय अभी बाकी है। इम्तिहान अभी बाकी है। हरिओम, हरिओम। जो भी मुझे इस कागज के टुकड़े को लाकर देगा उसे मैं 10 रुपए का इनाम दूंगा। वैसे सरकार, इस रंगीन कागज में ऐसा क्या है जो आप 10 रुपए इनाम देने के लिए तैयार हो गए? हरिओम, हरिओम। मुनीम। जी सरकार। देखा मुनीम, मात्र 10 रुपए के लालच में तुम लोगों ने आपस में दंगल कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने घोषित किया था कि इस कागज के टुकड़े का मूल्य 10 रुपया है और तुम लोगों ने विश्वास किया था। यही होता है, सत्ता संभालने वाले लोगों के निर्णय में बड़ी शक्ति होती है। वो तय करते हैं
किसका मूल्य है और किसका नहीं है। यदि कोई सत्ताधारी व्यक्ति ये घोषित करता है कि कोई पत्थर मूल्यवान है तो उसका मूल्य मनी के बराबर हो जाता है, और वही व्यक्ति अगर ये घोषित करे कि कोई मणि पत्थर है तो उस मणि का मूल्य पत्थर की बराबर हो जाता है। अरे ओ समझे कुछ? इसलिए अंग्रेज सरकार अगर ये घोषणा करती है कि इस कागज के टुकड़े का मूल्य 10 रुपया है तो 10 रुपया है और लोग इसे मानेंगे। हरिओम। जी सरकार, अब मैं समझ गया। सरकार मेरा इनाम? हाँ हाँ देता हूँ देता हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आओ आ गया, ये लो। जानते हो 10 रुपए के जगह तुम्हें थप्पड़ क्यों मिला? क्योंकि मैंने निर्णय लिया कि मेरे थप्पड़ का मूल्य 10 रुपए के बराबर है। हरिओम हरिओम, 10 रुपए चाहिए गधे को। होता जी, ऐसी क्या खास बात है उस रंगीन कागज में जो सरकार ने हमें इतनी लंबी कहानी सुना दी? पता नहीं पंता जी, उनसे पूछ तो लेता, लेकिन मुझे दोबारा थप्पड़ नहीं खाना है। जोर से लगी। हाथी उड़। अरे हाथी कभी उड़ता है? अच्छा खेले ना, अंदर पंडा ने मुझे सिखाया है। साई राम जी भला कर। साई एक नया खेल सीखा हमने गोविंदा से, अगर आपके पास समय हो तो क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? नहीं, मेरा भिक्षा मांगने का समय है, भिक्षाटन के लिए जाऊंगा, और अगर तुम व्यस्त लोग ज्यादा व्यस्त ना हो इस समय तो तुम लोग भी मेरे साथ क्यों नहीं आते? हाँ, चलो। आ जाओ। भिक्षाम दे। शाम दे। साई प्रणाम। साई बेटी शोभा, साई आए हैं, उनके लिए भिक्षा ले आओ। और सब कैसा चला है राम भाव? ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया है साई, बस अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त रहता हूँ। प्रणाम साई। राम जी भला करे। सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है, हमेशा खुश रहो। वो तो मैं रहूंगी साईं, क्योंकि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, किसी बात का दुख नहीं होने दिया। मेरी शादी के लिए वो तब तक रिश्तों को ठुकराते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया जिस घर में जिस वर्ष से मेरी शादी होगी वो लोग मुझे अच्छे से खुश रखेंगे। ठीक कह रही है आपकी बेटी, आपने पिता के हर फर्ज को
बखूबी निभाया है। तो शोभा को कभी मां की ममता की कमी भी नहीं खलने दी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आपने घर के बाहर और घर के अंदर एक पिता के रूप में दोनों कार्यों को अच्छे तरीके से किया है। घर और बाहर में संतुलन बना रहे इसलिए बरसों मैंने आपको अथक परिश्रम करते देखा है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है साईं, और फिर मेरे पास और है ही क्या, एक अपनी बेटी के सिवा। जो लोग निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, पर घबराना नहीं है, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हार नहीं माननी है, क्योंकि समस्याएं समाधान भी अपने साथ ही लेकर आती हैं। शादी की तैयारियां हो गई? हाँ साई, लगभग हो चुकी है, बस छोटे मोटे काम बाकी हैं। काका, छोटे मोटे तो हम भी हैं, तो हम ऐसे कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। बस बदले में शादी की मिठाइयाँ थोड़ी ज्यादा लेंगे। जरूर, बस एक काम है, क्या तुम लोग मेहंदी के पत्ते तोड़कर लाने में अपनी दीदी की मदद करोगे, ताकि उन्हें पीसकर रसम के लिए मेहंदी बना सके। बस इतना छोटा काम, वो तो हम चुटकियों में कर लेंगे। शाबाश परी, तुम दीदी की मदद करो, मैं चलता हूँ। राम जी भला करें। शोभा, मेहंदी के पत्ते लाने के बाद तुम बच्चों के साथ यहीं रुकना। मैं तुम्हारा हार वापस लाने के लिए सरकार के पास जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.